और भारत में धर्मांधता की तरफ भारत बढ़ रहा है, तो भारत भी कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है, और जो हसर कट्टरपंथी देशों का हुआ है, आसाम के अंदर राहुल गांधी जी जा रहे हैं, उनको रोक दिया। तो वहाँ की सरकार इतनी डर गई है, इसका मतलब सब कुछ सारा मंदिर पे कब्जा क्या भारतीय जनता पार्टी का है क्या? दोस्तों, इस तरह की हरकत करने वाले लोग आतंकवादी हैं, क्योंकि ये जो धर्म और आस्था, ये हर व्यक्ति की एक व्यक्तिगत मामला है, और इसको पहली बात तो इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध बीजेपी ने किया है। धर्म किसको डंडा लगाना है, किसका लगाना है, नहीं लगाना है, ये वो व्यक्तिगत है। आप कौन होते हैं दूसरे के घर पे, दूसरे के धार्मिक स्थल पे, या दूसरे की गाड़ी पे अपना झंडा लगाने वाले? कुछ भी हो सकता है। यहाँ चुनाव जीतने के लिए लोगों ने राम को भी दाव पर लगा दिया। इन लोगों ने कर इतने जो धमधम करके बज रहे हैं, वो लगा के गलियों में घूमना, वो क्या है? एक तरफ आप अजान को लेके कहते हैं कि जी लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, एक तरफ आप गली गली में इतना शोर मचा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि एक अराजकता का वातावरण भारत में भी बढ़ रहा है, और भारत में धर्मांधता की तरफ भारत बढ़ रहा है, तो भारत भी कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है, और जो हसर कट्टरपंथी देशों का हुआ है, अगर ये बढ़ता रहा, इसको रोका नहीं गया सरकारों के द्वारा, तो भारत का हसर भी उन देशों जैसा होगा जैसे कट्टरपंथी देश लड़ झगड़ के आपस में तबाह हो गए। दोस्तों, इस तरह की हरकत करने वाले लोग आतंकवादी हैं, क्योंकि ये जो धर्म और आस्था, ये हर व्यक्ति की एक व्यक्तिगत मामला है, और इसको पहली बात तो इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध बीजेपी ने किया है। धर्म को उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बना दिया, वोट पाने का हथियार बना दिया। रही बात इस तरह किसी दूसरे के धार्मिक स्थल पर जाके झंडा लगाने की, तो ये जिस बात से आप, जिस बात को आप लेके खुद चल रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनी और आज फिर वहाँ राम मंदिर बना, तो इसी तरह की अगर हरकत आप भी करोगे, पहली बात तो उस बात का कोई प्रमाण नहीं है, वो साकेत नगरी थी, वहाँ जो अवशेष बुद्ध के निकले, लेकिन अगर एक मिनट के लिए आपकी बात मान ली जाए, चलो आप अब मंदिर बन गया, अब पहला सवाल तो ये कि क्या मंदिर बनने के बाद अब सब बात ख़त्म हो गई? अब राजनीति करो, इस मुद्दे को छोड़ो, क्योंकि ये तो हो गया, अब लोगों की भावनाओं से खेलना बंद करो। दूसरी बात, जो लोग किसी दूसरे के धार्मिक स्थल पर जाके वहाँ अपना झंडा लगा के इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो बेसिकली देशद्रोह का काम कर रहे हैं, वो देश में अशांति पैदा करने का काम कर रहे हैं, वो दूसरों की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह का खिलवाड़ किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति करे, वो संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, और देश में अशांति पैदा करने वाला कृत्य उसको कहा जाएगा। इस पर सख्ती से सरकारों को रोक लगानी चाहिए, और रोक लगाते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि इस तरह की हरकत करने वाला व्यक्ति किस धर्म को मानने वाला है। सर, एक सवाल है, लोगों के घरों पर जबरदस्ती झंडे लगाए जा रहे हैं, लोगों को अगर नहीं लगा रहे उनको पीटा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं कि ये राम राज्य की शुरुआत है? नहीं, ये तो मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ें आतंक पैदा करने वाली हैं। इससे दूसरे लोगों को भयभीत और आतंकित किया जाता है। जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं आतंकवाद की, तो उस डेफिनेशन में है कि कोई भी ऐसा कृत्य जो दूसरे को आतंकित करता हो, आम आदमी को आतंकित करता हो, तो ऐसा कृत्य आतंकवाद की श्रेणी में आना चाहिए। और सबकी अपने अपनी भावना है, सब अपनी भावना के अनुरूप काम करें, उसमें किसी और को क्या अधिकार है किसी दूसरे की भावनाओं के साथ खेलने का? किसको डंडा लगाना है, किसका लगाना है, नहीं लगाना है, ये वो व्यक्तिगत है। आप कौन होते हैं दूसरे के घर पे, दूसरे के धार्मिक स्थल पे, या दूसरे की गाड़ी पे अपना झंडा लगाने वाले? अगर उसकी खुद की खुशी है, वो लगाने को तैयार है, तो कोई बात नहीं है, अन्यथा हम जबरन क्यों लगवा रहे? ये तो मैं समझता हूँ देश पतन की तरफ जा रहा है। ये देश में जितना ज़्यादा कट्टरपन बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा देश के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, और ऐसे लोग संविधान के विरुद्ध जाकर काम कर रहे हैं, देश की जो मूल भावना है संविधान की, उसके विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा बढ़ता रहा, तो फिर सोमालिया में, या लीबिया में, लेबनान में, इराक में, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में, और इंडिया में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जिस तरह वो देश तबाह हुए हैं, उसी तरह हमारा देश भी तबाह हो जाएगा। तो इस तरह के काम करने वाले लोग देश की तबाही के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकारों को चाहिए तुरंत ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज करके ऐसे लोगों को जेल में डालें, ऐसे लोगों की जगह जेल के अंदर है। तो जो प्रधानमंत्री हैं, बहुत संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जब वही इस तरह का काम करेंगे तो कैसे हो सकता है? कुछ देखिए, चाहे कोई राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, अगर वो भी देश के खिलाफ कोई लोगों की भावनाओं को भड़काने वाला काम करेगा, उसकी भी जगह जेल में होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। अपराधी अपराधी होता है,
उसमें अपराध जब कोई करता है तो उसमें उसके उसका पद नहीं देखा जाता किस पद पे था जिसने अपराध किया है। अपराधी की सजा तो कानून के तहत निश्चित है और उस हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने बाबा साहब ने तो बहुत पहले ही इसकी आशंका जाहिर कर दी थी। आशंका जाहिर की इसीलिए हम लोग चूँकि उसको पढ़ चुके हैं और हम लोग खुद आशंकित हैं इसीलिए हम इस तरह की घटनाओं का खुलेआम विरोध कर रहे हैं और विरोध अंतिम सांस तक करेंगे। हम लोग किसी की धार्मिक भावना के खिलाफ नहीं है लेकिन कोई दूसरे की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे हम उसको भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। फिर आपको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। वो कोई कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले, हम नेशनल हैं एंटी नेशनल हैं? हम लोग तो सच्चे देशभक्त हैं। जो लोग देश के संविधान को मानते हैं, देश के संविधान के हिसाब से अपना जीवन चलाते हैं, वो लोग सच्चे देशभक्त हैं। और जो लोग देश को नहीं मानते, देश के संविधान के विरुद्ध जाके कृत्य करते हैं, वो लोग देशद्रोही हैं। एक और सवाल है, राष्ट्रपति जी को जो निमंत्रण मिला था या जिस तरह से वो नहीं गई हैं, जिस तरह से संसद का उद्घाटन हुआ था वहाँ भी नहीं बुलाया गया था, तो क्या लग रहा है एक दलित को वहाँ पर नहीं बुलाना? नहीं बुलाना, देखिए पहली बात तो यह है कि मैं ये मसला सरकार का है ही नहीं, ये तो जो संस्था उसको बना रही है, जो उसकी एक कमेटी बनी है, उस कमेटी की मर्जी है किसी को बुलाया ना बुलाया, इसमें किसी को क्यों बुरा लगना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, पहले देश में करोड़ों धार्मिक स्थल हैं अलग अलग धर्मों के, और एक और बन जाए और 10-20-50 और बन जाए, हज़ार और बन जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये तो राजनीति के लिए, वोट की खेती करने के लिए धर्म का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं। एक सवाल है जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, 2019 में जिस तरह से पुलवामा हुआ था, उसी तरह जो पुलवामा का जो इलेक्शन में बुनाया गया, उसी तरह से राम मंदिर को बुनाने की कोशिश, कुछ भी हो सकता है। यहाँ चुनाव जीतने के लिए लोगों ने राम को भी दाव पर लगा दिया इन लोगों ने, तो ऐसे लोग जो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसा सत्यपाल मलिक जी जब गवर्नर थे J&K के जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने जो पिछले दिनों खुलासा किया है उससे तो पुलवामा की घटना पर भी संदेह हो रहा है कि वो करवाया किसने, 300-350 किलो RDX आया कहाँ से, वो पाकिस्तान से भेजा या भारत में ही, चूँकि उसका तो लाइसेंस भी हर किसी को नहीं मिल सकता, वो कैसे पहुँचा। नंबर दो, कश्मीर के अंदर हम लोग 5-9 विधायकों की कमेटी गई थी, हमें भी गाड़ी से उतार के चप्पे चप्पे पे गाड़ी जांच की जाती थी, तो फिर वो 300-350 किलो गाड़ी जो RDX लेके गई, उस गाड़ी की जांच क्यों नहीं हुई, वो गाड़ी पहले क्यों नहीं पकड़ी गई? मतलब एक तो सैनिकों को ट्रांसिट करने के लिए उनको जो विमान की ज़रूरत थी, भारत की सरकार ने वो विमान नहीं दिए, पहले तो उसी पर संदेह पैदा होता है, और दूसरी बात कि वो RDX इतना लेके गाड़ी वहाँ तक पहुँच कैसे गई, जहाँ जहाँ से वो गुजरता है काफिला सैनिकों का, उससे बाहर तो बैरिकेडिंग की जाती है। तो क्या अभी भी राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ? देखिए, कुछ अगर ये केवल राम मंदिर का मुद्दा होता तो जब संसद से जो आया आदेश, जो सॉरी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब जजमेंट दे दिया, वो जजमेंट गलत था सही था वो अलग सवाल है, वो लीगल क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा भी ये मानना है उस जजमेंट में जुडिशियस माइंड मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन जो भी हो गया एक बार डिसाइड हो गया, उसके बाद राजनीति को क्या लेना देना धर्म से। एक कमेटी बन गई, वो अपना आप मंदिर बनाए, जिसको बुलाए ना बुलाए, इसको भारतीय जनता पार्टी RSS क्यों इसको लेके जगह जगह घूम रही है? इसका मतलब है वो इसको छोड़ने वाले नहीं है, चूँकि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव में वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, वो लोग काम पे तो वोट नहीं मांग सकते, चूँकि जो उन्होंने वायदे किए थे 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, तो रोज़गार तो उन्होंने दिए नहीं। उन्होंने कहा था 35 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा, वो हुआ नहीं। उन्होंने कहा था कि डॉलर की कीमत के बराबर रुपये की कीमत हो जाएगी, वो नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि देश में महिलाओं पर वार हमले ख़त्म हो जाएंगे, और वो नहीं हुआ। महंगाई कम हो जाएगी, वो नहीं हुआ। तो जितने वायदे किए थे, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, वो नहीं हुआ। काला धन वापस लाने की बात की थी, कुछ भी वापस नहीं आया, बल्कि 1.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। इसको तो तब बताया जा रहा है RSS तो उनका मुद्दा ये राम का या धर्म या मंदिर का मुद्दा उनका चुनाव में वोट लेने के लिए है, इसलिए वो इसे आज के बाद भी इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका सब कुछ इस चुनाव के इर्द गिर्द सब कुछ उनका धार्मिक ये कार्ड चल रहा है। तो मंदिर जाते? बिल्कुल नहीं जाता। मैं क्यों जाऊँगा? मेरी जहाँ आस्था होगी मैं वहाँ जाऊँगा। तो आगे मस्जिद बनेगी तब जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊंगा? और फिर मुझे कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना मेरा व्यक्तिगत मैटर है, उसके किसी को क्या लेना देना। लेकिन सर, जिनकी आस्था है जो जाना चाहते हैं वो जाएं, जिसकी आस्था वो जाएं। आसाम के अंदर राहुल गांधी जी जा रहे हैं, उनको रोक दिया। तो वहाँ की सरकार इतनी डर गई है, इसका मतलब सब कुछ सारा मंदिर पर कब्जा क्या भारतीय जनता पार्टी का है? क्या बाकी लोग नहीं जा सकते? सर, अगर जिस तरह राहुल गांधी जी को रोका गया आसाम के अंदर मंदिर में जाने से,
उससे ये बात तो स्पष्ट है कि मंदिर जो है वो पूरा राजनीतिक मुद्दा बन गया और वो भाजपा उसको अपना एकाधिकार मानती है। मोहन भागवत भी तो थे आज साथ में। मोहन भागवत साथ है वो जा सकते हैं, क्योंकि उनका तो सारा इर्द गिर्द आरएसएस का पूरा वोट है, वोट कैसे बीजेपी को मिले इसी के लिए तो आरएसएस काम। एक सवाल और है, जिस तरह से एक जो राम मंदिर बना है उसके बाद राम राज्य की उद्घोष की जा रही है पूरे देश में, क्या इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं इसको सिर्फ एक चुनाव के तरीके से देख रहा हूँ कि चुनाव में वोट पाने के लिए ये सब चल रहा है, बाकी कोई किसी की धार्मिक आस्था का कोई मसला ही नहीं है। आस्था तो आदमी घर में रह के भी कर सकता है, पूजा अर्चना घर में रह के भी कर, हर हिंदू परिवार में घर में मंदिर होता है। अगर खाली पूजा अर्चना होती है आस्था ही, तो वो तो घर पे भी कर लेगा। लेकिन इसको चीख चीख के बोलना, इतने बड़े बड़े वो लगा के, मतलब स्पीकर्स इतने जो धम धम करके बज रहे हैं वो लगा के गलियों में घूमना, वो क्या है? एक तरफ आप अजान को लेके कहते हैं कि जी लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, एक तरफ हम गली गली में इतना शोर मचा रहे हैं, तो आस्था का इससे मतलब नहीं है, इसका चुनाव से मतलब है। सत्य पर सत्य की जीत बताई जा रही है इसे, राम मंदिर को असत्य पर सत्य की जीत बताई जा रही है इसे। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे तो लग रहा है देश में सारा असत्य ही आगे बढ़ रहा है, और पूरा पूरे तरीके से देखा जाए तो अधर्म का काम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि धर्म का मतलब होता है न्याय। तो सबके साथ अगर न्याय ना हो, सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार ना हो, सबके कल्याण की भावना मन में ना हो, अगर नफरत पैदा की जाए तो फिर वो मैं उसे केवल एक चुनावी मुद्दा मानता हूँ। बहुत बड़ा वर्ग है SC ST OBC समाज का जो मंदिर बनने से खुश है, वही खबरें आ रही हैं कि धोबी समाज के से और अनुसूचित जाति के चमार समाज से पैसा वापस कर दिया गया है, राजस्थान से खबरें आ रही हैं। नहीं, वो तो घटना हुई है, सच्चाई है, वो तो उस पर तो कंप्लेंट की उन्होंने FIR दर्ज कराने के लिए। उन्होंने कहा कि तुम जिस तुम्हारे पैसे से अगर प्रसाद खरीदा जाएगा या धार्मिक आयोजन किया जाएगा तो अपवित्र हो जाएंगे, और इसलिए उनका पैसा उनको वापस किया, वो तो अपमानजनक घटना है। और मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ मैं बार बार दोहराता हूँ, जहाँ आपका अपमान हो वहाँ जाते ही क्यों हो, और ऐसी जगह चंदा क्यों देते हो जिससे आपके बच्चों का कोई कल्याण ना हो? आस्था है साहब उनकी, आस्था है तो उनकी आस्था को, तो उनकी आस्था को, उनकी आस्था को ठोकर मार रहे हैं ना वो वापस पैसा दे के, उनको अछूत कहकर, उनका पैसा वापस देकर कि प्रसाद अपवित्र हो जाएगा, तो उनको जो पैसा वापस दिया वो तो उनको क्या ठोकर नहीं मारी है? ये अपमान नहीं है क्या उनका? उन एक्चुअली क्या है, उनकी आस्था हमारी आस्था का कोई मोल नहीं है। उन्होंने संत गुरु रविदास जी के मंदिर को तोड़ा, तब आस्था कहाँ चली गई? जब वो मंदिर को तोड़ रहे हैं हमारे को, तब आस्था कहाँ चली गई? नेशनल टेलीविजन चैनल जो दिखा रहे हैं दूरदर्शन पे लाइव प्रसारण जिस तरीके से, वो सरकार उनकी है, वो तो दिखाएंगे, सारे मीडिया चैनल वो खरीद चुके हैं, वो उस पर दिखाएंगे, क्यों देख रहे? जनता को तय करना, वो देखें ना देखें, जो उन्हें फायदे की चीज़ें देखें ना देखें ना देखें, वो तो व्यक्तिगत मामला है, कौन TV देखना चाहता है कौन नहीं देखना चाहता है। लेकिन ये सरकार का दुरुपयोग है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।